सभी योग गुरुओं को शतशत नमन। मैंने 2004 से योग शुरू किया और बाबा रामदेव का कैंप अटेंड करने के बाद मुझे योग का ज्ञान प्राप्त हुआ, प्राणायाम का ज्ञान प्राप्त हुआ और अलग अलग तरह के मैंने व्यायाम किए जो भी मेरे आयु और स्वास्थ्य के हिसाब से लाभदायक थे। उन सब व्यायाम प्राणायाम योगाभ्यास को किया और उससे मुझे मेरा इम्यूनिटी लेवल काफ़ी सुधर गया जो कि पहले बहुत ही वीक हुआ करता था। मुझे अपनी कान की समस्या थी जिसमें कि कान में बहुत लेफ़्ट साइड के कान में बहुत आवाज़ें आती थीं और शोर और आवाज़ से बड़ा इरिटेशन होता था, तो आकाश मुद्रा बना करके और कपाल भाती का निरंतर प्रयास करते हुए उसमें मुझे बहुत लाभ पहुंचा है। कपाल भाती प्राणायाम, झटके से सांस को बाहर निकालना, सुख आसन में बैठ करके, ये देखिए कपाल भाती करते हैं, ये 10 से 15 मिनट करती हूँ। और साइनस की प्रॉब्लम के लिए मैंने अपने जल नीति क्रिया की, इसको जो है गुनगुना पानी और इसमें हल्का सेंधा नमक डाल करके राइट नॉस्ट्रल से लेते हुए लेफ्ट से निकाला और फिर लेफ्ट से लेकर के राइट से निकाला, इससे मेरी पूरी साइनस की समस्या दूर हुई। इसके बाद मेरी फैमिली में बहुत लोगों को, मेरे पिताजी और मेरे दादाजी सबको डायबिटीज़ रह चुका है, तो योग के द्वारा स्पेशली मंडूकासन के द्वारा मुझे लगता है कि उसमें बहुत लाभ पहुँचा है। कपाल भाती, मंडूकासन, मंडूकासन में वज्रासन में बैठ जाते हैं, देखिए इस तरह से एड़ियों पर इस पे बैठ जाएंगे और नाभि के दोनों साइड में अंगूठा लगा करके, अंगूठे की हड्डियां लगा करके और सांस अंदर भरेंगे और बाहर निकालेंगे, सामने देखेंगे और सांस भरते हुए यथाशक्ति रोकेंगे और सांस भरते हुए फिर वापस आएंगे, ऐसा 3 से 5 बार करेंगे। इसी तरह से सेकंड पोज है मंडू का, बाएं हथेली नीचे, दाहिने उसके ऊपर, सांस भरेंगे निकालेंगे और सामने देखेंगे यथाशक्ति रोक करके वापस आएंगे। इन सब आसनों प्राणायामों को करते हुए मुझे बहुत लाभ हुआ और मैं यही मेरा संदेश है योग दिवस के दिन कि सभी लोग अपने जीवन में योग को अवश्य अपनाएं और इसका निरंतर जैसे अपने जीवन का एक अंग बना लें, निरंतर अपने लिए कितना भी आपके पास समय की कमी हो लेकिन 1 घंटा अपने लिए अवश्य निकालें और योग अवश्य करें।